कौन साहब भैया यार क्या राहुल गांधी वो हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने। हाँ कुश्ती की उन्होंने एक्सरसाइज की बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। आज राहुल गांधी अचानक पहले कुछ बताया था कि आ रहे हैं? कुछ नहीं बताया था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे एकदम से आज दम के। हम तो यही नहीं पता था कब आएंगे कब कौन है। ये लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुँच गए थे। क्या किया राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसी होती है हमारे साथ एक्सरसाइज मिल के की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई उनको तो बहुत जानकारियाँ हैं वो खेल के बारे में। जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड कर करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। तो कुश्ती के जोर भी किए? कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण पर भी बात हुई? उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। Okay.